की वैल्यू, ठीक है। तो जो पाई की वैल्यू होती है, देखो पाई की जो वैल्यू है वो हम क्या रखते हैं अपनी कन्वीनियंसी के लिए, जिससे हमें आसानी हो, या तो हम 22/7 रखते हैं या फिर हम क्या रखते हैं 3.14। लेकिन ये जो 3.14 है ये इसकी, ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। इसके बाद भी ये डेसिमल के बाद ये इनफाइनाइट तक जाता है, डेसिमल के बाद ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पाई की वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक ऐसे पूछी जाती है। तो डेसिमल के बाद 60 डिजिट तक वैल्यू पूछी गई है तो क्या होती है, ये 3.14159926 ये वैल्यू होती है। तो ये आपको डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक याद रखनी है, 3.14159926। अब देखो ये याद एक्चुअली रहती नहीं है, कुछ दिन याद रहेगी फिर आप इसको भूल जाओगे। तो इसका मैं अब एक न्यूमेरिक्स आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्या बता रहे हैं इसका एक न्यूमेरिक्स पढ़ते हैं जिससे ये वैल्यू आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। तो इसका निमोनिक्स मैं बता रहा हूं, जैसे मैं निमोनिक्स से आपको पीरियोडिक टेबल याद कराने वाला, मैं आपको समझा रहा था कि निमोनिक्स क्या होते हैं। तो देखिए गाइस क्या होता है, पाई की वैल्यू डेसिमल के 7 डिजिट तक ये होती है 3.14159926। अब ये याद कैसे रहेगी, तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, यही इसका निमोनिक्स है। तो ये सेंटेंस अगर आपको याद रहेगा तो जिंदगी भर आपको पाई की वैल्यू डेसिमल के 7 डिजिट तक याद रहेगी। देखिए ये है आपका वो सेंटेंस, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। तो यहां देखिए मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी 3 1, इसके जो डिजिट जो लेटर है वो काउंट करिए 3.14159926। तो ये वैल्यू अब आपको याद रहेगी, देखिए मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। तो ये सेंटेंस अगर आपको याद रहेगा तो पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक हमेशा आपको याद रहेगी, ये आप कभी भी